गुलबर्गा शहर में बढ़ते आवारा कुत्तों के हमले के खिलाफ आज फिर एक बार बड़ा एहतजाज देखा गया है। वार्ड नंबर 27 के कॉरपोरेटर साजिद कल्याणी ने कुछ दिन पहले 15 अक्टूबर को कॉरपोरेशन ऑफिस को ताला डालकर एहतजाज करने का ऐलान किया था और आज 15 अक्टूबर को साजिद कल्याणी ताला लेकर आए थे, पर कॉरपोरेशन ऑफिस के सामने बैरिकेड्स लगाकर पुलिस बंदोबस्त लगाया गया था। इस मौके पर साजिद कल्याणी के साथ कॉरपोरेटर खालिद अहमद, एक्स मेयर विशाल दरगी और बीजेपी से कॉरपोरेशन अपोजिशन लीडर सचिन कड़गंची ने भी कॉरपोरेशन कमिश्नर से आवारा कुत्तों के आतंक के खिलाफ नाराजगी जाहिर की और मिसबा नगर में आवारा कुत्तों का शिकार हुई लड़की को 5 लाख रुपये कंपनसेशन देने की मांग की गई है। दरअसल आज से एक साल पहले MSKML मिसबा नगर इलाके में एक मासूम लड़की के गले और दीगर जगहों पर आवारा कुत्तों ने बुरी तरह हमला किया था और लड़की मौत के मुंह से वापस आई है। एक साल पहले विशाल दरगी मेयर थे और GB मीटिंग के दौरान साजिद कल्याणी और खालिद अहमद ने एहतजाज कर कुत्तों का शिकार हुई लड़की को 5 लाख रुपये कंपनसेशन देने का मुतालबा किया था और GB मीटिंग में मौजूद तमाम 55 कॉरपोरेटर्स की रजामंदी से 5 लाख रुपये कंपनसेशन देने का ऐलान कर रेजोल्यूशन भी पास किया गया था, पर एक साल गुजर गया और मासूम लड़की को अब तक कोई कंपनसेशन नहीं मिला है। इस एहतजाज के दौरान कॉरपोरेशन कमिश्नर ने अब तक कंपनसेशन ना मिलने की वजह बताते हुए कहा, इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका को 5 लाख कंपनसेशन देने के लिए अप्रूवल मांगा था, पर गवर्नमेंट के जरिए सिर्फ 5,000 रुपये देने का ऑर्डर दिया गया है। एहतजाज कर इस मौके पर साजिद कल्याणी, खालिद अहमद, विशाल दरगी और सचिन कड़गंची ने कॉरपोरेशन कमिश्नर के साथ मिलकर एक दूसरा रास्ता निकाला है, जिससे कुत्तों का शिकार हुई लड़की के लिए 1 महीने के अंदर 5 लाख रुपये दिया जाएगा। और मीडिया से बात कर साजिद कल्याणी, विशाल दरगी और कृष्णा रेड्डी ने क्या कहा, आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। जैसे कि हम वीडियो में बताया था कि अपने बाइट में 15 अक्टूबर को कॉरपोरेशन लॉक करेंगे बोल के हमने बताया था। मैं कलीग कॉरपोरेटर्स को भी बताया था कि पूरे 55 कॉरपोरेटर्स को मैं समझता हूँ थोड़े लोग बिजी रहने की वजह से नहीं आए, जो आज कॉरपोरेशन ऑफिस में आके स्ट्राइक को साथ दिया। कमिश्नर साहब आए थे तो जो लास्ट टाइम इंसिडेंट हुआ था मिसबा नगर के 5 लाख रुपीज़ कंपनसेशन देने की बात हुई थी सर। अब आज तय हुआ है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द से जल्द मैं टाइम नहीं बताता, बहुत जल्द से जल्द इंशाल्लाह उनको मुआवजा दिया जाएगा। और गुलबर्गा शहर में जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, मुआवजा किस तरह से दिया जा रहा है वो अनऑफिशियली मैं नहीं बता सकता वो किस तरह दे रहे हैं, मगर देना है। हम जो जबान दिए हैं पूरे 55 कॉरपोरेटर्स और मेयर साहब जब जबान दिए थे, ऑफिसर जबान दिए थे, वो देने की बात थी, वो गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से तो नहीं दे सकते। अनऑफिशियली जिस तरह का देना है इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर कोशिश करेंगे वो पेमेंट देने की इसका इंशाल्लाह। और रही दूसरी बात गुलबर्गा शहर को क्लियर करने की, अब नए ऑफिसर आए हैं, हेल्थ ऑफिसर, देखेंगे क्या करते हैं। अब आए थे वो भी, कमिश्नर साहब बुलाए थे गुलबर्गा शहर के लिए, कोशिश कर रहे हैं कि कंट्रोल करने के लिए डॉग्स को। इंशाल्लाह आप लोगों की सबकी दुआएं होना है, सबकी हिम्मत होना है, कुछ भी अगर इंसिडेंट्स हुए आपके कॉर्पोरेटर्स को बोलो जो नहीं आए हैं उनके लिए। GB में आप जब मेयर थे, GB में 5 लाख रुपया देने के लिए रेजुलेशन पास किया गया था, उसके बाद भी अब तक 5 लाख रुपया उनको नहीं मिला, क्या वजह है? हमने जो 55 कॉर्पोरेटर के बीच में जो मैं जब मेयर था, जब सब जने मिल के एक डिस्कशन हुआ था, एक बच्ची के हॉस्पिटल को जाके हम जो कि विजिट करके आए के बाद जो हुआ सो हादसा, हमने बोला कि 55 कॉरपोरेटरों में पूरे GB में चर्चा करके हम उनके फैमिली को 5 लाख रुपये देंगे बोल के ये हुआ था हमको। हम बोले जिस दिन हम बोले सब जिला स्तर मिनिस्टर साहब भी बात कर रहे थे उस दिन, हमारे साजिद भाई को और हमारे अहमद साहब, हमारे गोला साहब, सब हमारे जो भी कॉरपोरेटर्स थे सब जने एक इंसानियत के मध्य नज़र में रख के वो फैमिली को देना बोल के हमने सब तरीके से एक 5 लाख रुपए का हमने गवर्नमेंट से देना बोल के हम बोले थे। लेकिन वो गवर्नमेंट को हम लिखे, गवर्नमेंट से गाइडलाइंस आया कि ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन है बोल के, वो रूल्स एंड रेगुलेशन बाद में छोड़ो, लेकिन हम जो वादा करे थे, हम जो बात करे थे 55 कॉर्पोरेटर्स, हम वो फैमिली को 5 लाख रुपए एक महीने के अंदर उनके घर को पहुँचाते बोल के हम 55 कॉर्पोरेटर्स मिलकर वादा करे थे। हम 55 कॉर्पोरेटर मिलकर डिस्कशन करके वादा करे थे, वो वादे के मुताबिक हिसाब से वो घर को हम पहुंचा देते हैं। और गुलबर्गे में जो है ये तो मिसबा नगर की जो लड़की के बात है उसको 5 लाख रुपए देने की बात चल रही है, शहर में जो कुत्तों का जो इशू है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आज उसी के बारे में भी मीटिंग में कुत्तों का एक शाला बनाने की बात की गई। नहीं, आज जो हुआ, जो पहले जो हेल्थ इंस्पेक्टर था वो कुछ काम का नहीं था, अब जो आए हैं अब काम कर रहे हैं, हमारे सामने ही आपके सामने ही कमिश्नर साहब भी जो डॉग पकड़े थे उनको भी बात करे सो है, आप भी मालूम है अभी भी इशू हो गया सो है। अब जो भी है एक 15 दिन 1 महीने में जो होता है इशू, अगर क्लियर हो गया और काम चल रहा
बोले तो हम उनके साथ में है कर, नहीं बोले तो हम इससे भी बड़ा, अब तो बंद है लेकिन जिस दिन हम जो करेंगे गुलबर्गा देखेंगे कि वैसा हम करके बताएंगे। वहाँ पे क्या हो गया, आज हमारे पूरे कॉर्पोरेटर्स, आज बीजेपी कांग्रेस जेडीएस बोल के नहीं, आज पूरे पार्टी के कॉर्पोरेटर्स और पूरे यहाँ पे मेरी माँ और बहनों भी यहाँ पे आए, क्यों बोले तो आज गुलबर्गे के आवाम का तकलीफ आज सॉल्व नहीं हो रहा है। तो आज कॉर्पोरेशन कमिश्नर साहब जो कमिटमेंट किए हैं, अगर ये कमिटमेंट फुलफिल नहीं हुआ आने वाले दिनों में, इससे भी बड़े पैमाने में जो प्रोटेस्ट यहाँ पे होगा उसके जिम्मेदार यहाँ के सरकार होंगे और यहाँ के कॉर्पोरेशन कमिश्नर होंगे और यहाँ के एमएलए होंगे।